हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अरहर रहर या तुअर की दाल, जिसे हम डेली अपने घर पे बनाते ही हैं। पर इस रेसिपी के साथ अगर हम दाल फ्राई करेंगे या दाल तड़का लगाएंगे तो हमारे दाल खाने में भी अच्छी लगेगी, और इसे हम इजीली एक बार इस तरीके से अगर दाल फ्राई कर लिए तो हम डेली बनाना इसी तरह से चाहेंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो हमेशा मैं अपने घर पर इसी तरीके से दाल बनाती हूँ, जिससे हमारे बच्चे भी खाना बहुत ही पसंद करते हैं इस तरह से दाल फ्राई करने के बाद। तो अगर इस रेसिपी की इस तरह से अगर दाल तड़का दाल फ्राई करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे से खाएँगे और उन्हें भी पसंद आएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अरहर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप दाल लिया है, तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। अब इसे अच्छे से वाश कर देंगे। वाश करने के बाद इस 10 से 15 मिनट भिगो के रख देंगे। दाल भिगो के रखने से ये होगा कि हम जब बनाएंगे तो हमारे दाल जल्दी से गल जाएंगे और फटाफट से बन जाएंगे। तो यहाँ 10 से 15 मिनट भिगोने के बाद अब हम दाल में एक चम्मच नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी तेल डाल देंगे आधा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और हल्दी डालकर बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट बाद हमारा दाल यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब इसमें हम इसे फ्राई करने के लिए एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है यहाँ, और एक बड़ा टमाटर चॉप कर लिया है, दो ग्रीन चिली, आप चाहे तो इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं, एक गार्लिक को चॉप कर लिया है। तो अब दाल फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे और एक पैन को गैस पे चढ़ा देंगे। जब हमारे पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें तेल डाल देंगे। अब यहाँ हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक चम्मच जीरा का तड़का लगा देंगे। जीरा डालने से हमारे दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ जीरा एक चम्मच डाल देंगे। उसके बाद से जीरा थोड़ी सी तड़कने लगे तो इसमें जो कटा हुआ मिर्ची है उसे डाल देंगे, चॉप किया हुआ गार्लिक है उसे डाल देंगे, और उसके बाद से थोड़े से भून जाए हमारे गार्लिक और ग्रीन चिली और जीरा, तो उसके बाद से इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को डाल के और इसे लो मीडियम फ्लेम कर एक से दो मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारे प्याज भून जाए, और इसके बाद से इसमें कटा हुआ टमाटर है उसको डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद इसे एक से दो मिनट तक ढककर टमाटर को गला लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक से दो मिनट पकाने के बाद हमारे टमाटर भी गल गया है। तो इस तरीके से टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को मिक्स करके सबको एक साथ एक से दो मिनट तक भून लेंगे, इससे और ही ज़्यादा अच्छा आएगा टेस्ट हमारे दाल का। तो यहाँ टमाटर और प्याज सारे अच्छे से गल गए हैं। तो अब यहाँ हमारा दाल तड़का लगाने के लिए रेडी हो गया है। तो जो हमने बॉयल किया हुआ दाल था उसे डाल देंगे, और डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक बॉयल होने देंगे, पकाएंगे। इसे करने से क्या होता है कि हमारे दाल अच्छे से पक जाएंगे तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब यहाँ 3 से 4 मिनट तक मैंने दाल को अच्छे से पका लिया है। धनिया के पत्ता को गार्निश कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ईजी तरीके से हमारा दाल फ्राई हो गया है, और बहुत ही और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर इस तरीके से अपने दाल को फ्राई करें तो हमारे घर के सभी खाना पसंद करेंगे, बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे से खा पाएंगे और पसंद आएंगे उन्हें भी खाने में। तो आप लोग भी इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से घर पर अगर दाल बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर फ्राई करें। और आज की रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।